दोस्तों देखो किस तरह से देसी विंका भर के खेल रही है। ये देखो एक एक टिप के ऊपर पांच पांच छः छः फ्लावर्स हैं ये, और एक आपको दिखाती हूँ फर्स्ट टाइम मेरे प्लूमेरिया जिसको चंपा भी कहते हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है। ये देखो खूबसूरत, ये प्लांट तो दो तीन साल का है, मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, लेकिन फ्लावरिंग इसकी तीन ब्रांचेस निकली थी और उसके ऊपर बंच में फ्लावरिंग हुई है। ये तेज़ धूप में रहने वाला प्लांट है ये वाला, और ये मैंने ड्रैगन फ्रूट की कटिंग ग्रो करी हुई है, और ये मेरे हैं कुछ सनफ्लावर्स जिनके ऊपर बर्ड्स आ गई हुई हैं लेकिन अभी कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, और ये मेरे अडेनियम के ऊपर फर्स्ट फ्लावर खिला है। ये देखो बहुत लेट खिले हैं, ये देखो फिलहाल तो एक ही है, ये मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी उसके बाद ये देखो एक ब्रांच कट करी थी यहाँ से, ये दो ब्रांचेस निकली हैं इसमें, ये इधर तो एक ही निकली है। बहुत खूबसूरत कलर है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने कटिंग एक लेके आई थी फिलोडेंड्रोन की, देखो कितना खूबसूरती से ग्रो हो रहा है, और ये इसके साथ में है, ये मैं प्लांट लेके आई थी 100 रुपीज़ का जो कि बिल्कुल मर गया था, इसको मैंने सारा डेड पार्ट निकाल के वो छोटा सा हिस्सा था स्टेम वो लगाई, वो भी स्प्राउट हो गई है ये, और ये किसी से कटिंग लेके आई थी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपना एरो रूट प्लांट, ये देखो ये सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लेकिन गर्मियाँ आते ही ये फिर से निकल आता है, ये बहुत ही खूबसूरत इसके पत्तों में वेरिएशन आएगी, अभी शायद इस न्यू लीफ में दिखाई दे, इसमें भी है ये सेम प्लांट, देखो ऐसी वेरिएशन आती है लीफ में। तो जब ये प्लांट पूरा ख़त्म हो जाता है सर्दी में तो पॉट को एज इट इज़ उठा के रख दो ताकि गर्मियाँ आने पर ये फिर से निकल सके। और आज मेरे निकला है पीस लिली फर्स्ट फ्लावर ही, ये देखो कितना खूबसूरत है, और ये और छोटे छोटे निकल रहे हैं बर्ड्स हैं अभी, ये देखो बैक साइड ग्रीन है और फ्रंट इसका कितना खूबसूरत है ये, और ये है मेरा लॉलीपॉप प्लांट नियॉन कलर वाला, इसमें हल्का येलो सा कलर है, ये इतने बड़े बड़े होके ये अपने आप ही कट हो जाते हैं। ये मेरे पास एक ये कलर है और एक मेरे पास रेड कलर है, ये देखो ये रेड कलर, तीसरा तो मैं काफ़ी दिखाती रहती हूँ आपको, वो है गोल्डन कैंडल ये वाला गोल्डन कैंडल, ये थोड़ा रेयर है वो, बाकी दूसरे दोनों तो कॉमन ही हैं, और ये मेरा स्मोक प्लांट देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, गार्डन में कलर ऐड करता है, और ये मैंने अपने पड़ोस से ही कटिंग्स ली हैं कोलियस की, ये देखो ये 3 दिन पहले ही ली थी, और कितनी इसमें जब भी आप कटिंग लेते हैं तो पहले कोशिश करें उसको पानी में ही डाल दें, ये दूसरा वाला देखो इसके ऊपर भी जब इसके ऊपर रूट्स निकली होती हैं तो ये बहुत जल्दी से
ज़मीन में लग जाता है। फिर एक कलर ये वाला था, इसको मैंने लगा लिया हुआ है। और ये दिखा रही हूँ आपको मैं, ये देखो फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर, एग्नोलिमा स्नो वाइट के ऊपर। और ये मेरे फिलोडेंड्रन की देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये 6 महीने पहले मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी 100 रुपीज़ का, ये मॉस्टिक मैंने खुद लगाई है। और ये देखो लीफ में कितनी प्यारी वेरिएशन है। और ये मेरा पीछे चल रहा है पेपिरोमा, इसमें भी फ्रेश ग्रोथ देखो कितनी बढ़िया वेरिएशन है उसमें। अब ये इसमें भी ग्रोथ पकड़ लिया है फाइकस, स्टारलाइट फाइकस ने, फ्रेश ग्रोथ के तो कलर ही लीफ का और होता है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको फिडली फिग, जो मैंने ऑनलाइन 150 का मंगवाया था, ये इसको मैंने रिपॉट कर लिया हुआ है और सब प्लांट्स के बीच में ही रख दिया हुआ है। ग्रोथ तो इसकी अभी नहीं शुरू हुई। और ये देखो ये एक मेरा बिल्कुल प्लांट डेड हो गया था, ये इसको मैंने पूरा बाहर निकाल के साफ़ सफाई करके फिर से मिट्टी में लगाया। ये देखो फ्रेश ग्रोथ कितनी खूबसूरत है। और ये मैंने कटिंग लगाई थी पॉइंसेथिया की फर्स्ट टाइम, वो भी बिल्ली ने छलांग लगाई तो ऊपर से वो प्लांट टूट गया था, मैंने लगा दिया उसको। और ये कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये मैंने जस्मिन दिखाई थी जिसकी सब टिप्स के ऊपर बर्ड्स थी, आज इसमें भी फर्स्ट फ्लावर खिला है, बहुत ही भीनी खुशबू आ रही है इसकी। अब थोड़ी सी वाटरिंग कर लेते हैं अपनी, बहुत ही मज़ा आता है ऐसे घुमा घुमा के जब वाटरिंग करो तो प्लांट्स में। ये मेरे सब सकुलेंट्स हैं, 1 वीक के बाद मैं इसमें भर के इस तरह से पानी देती हूँ। और ये है मेरे छोटू, जो मैंने लीफ प्रोपेगेशन करी थी, ये उसको ये प्लांट्स किए थे अलग पॉप्स, देखो सब में बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये भी मेरा एक ख़राब हो गया था पूरा, मैंने निकाल के सारा साफ़ करके दोबारा से फ्रेश उसमें लगाया, अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। इधर मेरा ये देखो 5-6 साल पुराना ये बोरोस्टेल, और ये जेली बीन्स, और इस साइड में है ये रूबी नेकलेस। चलो कैसी रही मेरी आज की शेयरिंग, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।